हे गाइस, तो 5 मिनट्स कुकिंग विद निशा में आज हम लोग मसूर के दाल से एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। हेलो गाइस, तो आज हम बताएंगे आपको एक मसूर की दाल से बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनाना बताएंगे आपको। तो मसूर की दाल जो है ऐसे नॉर्मली बनाते हैं लोग, तो बहुत अच्छी नहीं बनती और दाल दाल खा के थोड़ा सा इंसान बोर भी हो जाता है। तो मैं आज एक सब्जी बनाना बताऊंगी इससे आपको। तो ये मैंने मसूर की दाल ले ली है 2 कप, और इसको मैंने सोख करके रख दिया है और अच्छे से भीग गई है। देखिए अच्छे से ये भीग गई है। और तो ये थोड़ा सा सामान है इसके लिए, ये प्याज मैंने चॉप करके ले लिया है, रफली चॉप किया है। और ये मैंने प्याज पीस लिया है, थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें डाल के ये पीस लिया है। ये खड़ी हरी मिर्ची है और ये खड़ा लहसुन अदरक है और ये पिसा हुआ लहसुन अदरक है। तो कुछ चीज़ें इसमें साथ में पड़ेंगी और कुछ ग्रेवी के लिए हैं, तो मैं अलग अलग करके बता दूंगी आपको। और ये हरा धनिया मैंने चॉप करके ले लिया है और ये कुछ स्पाइसेस है, तो ये ज़ीरा मैंने ले लिया है, हल्दी और लाल मिर्च और नमक, और ये है धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी ज़ीरा और थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची ले लूंगी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी पड़ता है बस। और ये अदरक लहसुन इसमें, और ये ला ये जो हरी मिर्ची मैंने रखी है रॉ वाली ये भी, और ये प्याज भी, और इसमें से थोड़ा सा ये आधा हरा धनिया भी। और इसके बाद डाल लेंगे हम ये अपनी मसूर की दाल और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो मैं पीस के आपको बता देती हूँ ये कैसी लगेगी। तो ये मैंने पीस लिया है इसको और सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं, तो मैं इसको बोल में सेपरेट कर लूँगी। और दूसरी जो दाल बची है, और इसी तरह जो दूसरी दाल बची है वो भी पीस के मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। ये सारी दाल पीस ली है हमने और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसी टाइम इसको चख के भी देख लेंगे, अगर नमक वमक थोड़ा कम लगे आपको तो अपना बढ़ा सकते हैं। और ये बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो ये पानी उबालने के लिए रख दिया है मैंने भगोने में, और इसके ऊपर रख लिया मैंने छन्नी। और ये मिक्स जो हमने बनाया है बैटर, इसकी छोटी छोटी बढ़िया टाइप की तोड़ देंगे इसी पर इस तरह, हाथ से चम्मच से जैसे आपको इजी लगे। इसको हम बनाकर और तेल में फ्राई करके चाय के साथ जैसे पकोड़े खाए जाते हैं, तो कभी अगर बेसन ना हो तो हम इस तरह पकोड़े भी बना सकते हैं। तो इसी तरह पूरी छन्नी पे हम इस बना देंगे इसको 4 मिनट के लिए। इस तरह कवर कर देंगे कि भाप से ये अच्छी तरह बन जाए। 2 मिनट 3 मिनट हो गए इसको, ये देखिए हरी अच्छे से पक गई है, बढ़िया हमारी बन गई है। तो इसको निकाल लेंगे। ये मैंने सारी निकाल ली है और इसी तरह हम दूसरी भी बना देंगे जितनी भी हमारे पास दाल है। तो ये दूसरी वाली भी तैयार हो गई है, इसको भी निकाल लेंगे। इस तरह ये सारी बढ़िया हो गई हैं तैयार। और अब आगे का प्रोसेस, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल देंगे अब तेल। तो कढ़ाई गर्म हो गई है और हम इतना थोड़ा सा ही इसमें तेल अभी डाल लेंगे।
और इसको गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है और इसमें डाल देंगे अब जीरा। ये देखिए जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया और अब डाल देंगे हम अपनी बढ़िया और इसको अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। एक बार इस तरह सब्जी बना के देखिए आप, फिर आपको लगेगा कि दाल से अच्छी तो ये सब्जी बन गई। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बस, लेकिन टेस्टी बहुत बनेगी। चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ऐसा ये जो अभी तल रहे हैं हम, इसको चटनी के साथ हम ऐसा स्नैक्स भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है और पौष्टिक भी होती है। ये हमारी फ्राई हो गई है देखिए, और अब हम ये निकाल लेंगे। जो जीरा डाला था हमने, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तलते टाइम अगर डाल दो, वैसे तो पकने के टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम अगर डालो तो इसमें मिक्सअप हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने सारी बढ़िया निकाल ली हैं और अब हम इसमें तेल डाल लेंगे मसाला भूनने के लिए, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम। तो तेल हमारा गर्म हो गया, अब जो जीरा हमने थोड़ा सा बचाया था वो भी डाल देंगे। इसमें जीरा अच्छे से जाता है, जीरा डाल दिया है मैंने। अब हमने जो प्याज और हरी मिर्ची पीस के रखी थी वो भी डाल देंगे। और ये जो अदरक लहसुन रखा था हमने, ये भी। और ये सारे मसाले भी, लेकिन हम गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे, बाकी सारे मसाले डाल देंगे। और मसाले में जो पानी हम यूज़ करेंगे, वो जो हमने स्टीम के लिए जो पानी यूज़ किया था, जो खौलाया था, वो मैंने कप में निकाल लिया है। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा इसमें गरम गरम पानी ही इसमें यूज़ करूँगी। और मसाला अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला भूनते भूनते 2-3 मिनट हो गए हैं, तो ये मसाला अच्छे से भून चुका है। देखिए तेल बिल्कुल अलग हो गया है। और अब हम डाल देंगे इसमें ये बढ़िया, तो ये सारा डाल दिया मैंने। और इसको अब 1 मिनट के लिए इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप सूखा सूखा पसंद करते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। कहीं अगर स्टोर करनी है, लेके जानी है कहीं, तो आप ऐसे भी, ये तैयार है। और अगर आप घर लेंगे चावल के साथ, किसी के साथ खाएं, तो हल्का सा इसमें वही खौला हुआ पानी आप इसमें मिला सकते हैं। ये देखिए कितनी आसान और कितनी जल्दी बन गई सब्जी हमारी। तो अब थोड़ी देर इसको, पानी तो बॉईल था ही हमारा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाएंगे, लगभग 1-1.5 मिनट के लिए। बस सब्जी तैयार है हमारी। 1-1.5 मिनट हो गया है और अच्छे से ये सब्जी पक गई है हमारी। अब फ्लेम कर देंगे हम अपना बंद,
और हरी धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। और हमने जो गरम मसाला बचाया था ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। और हमारी सब्जी तैयार है एकदम, ये देखिए। एंजॉय करिए, बनाइए। और अभी मैं आपको प्लेटिंग करके इसकी दिखा देती हूँ कैसी लगती है। तो तैयार है हमारी मसूर की दाल से बनी हुई बहुत टेस्टी सब्जी। बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में कि कैसी लगी आपको। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी। सो गाइस, ये थी हमारी मसूर की दाल की सब्जी की रेसिपी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।